आज के समय में हम मनुष्यों के लिए टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे इर्द गिर्द हम जितनी भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, मशीन्स, इंटरनेट इत्यादि, सभी चीजें टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज होती है जो किसी काम को आसान बना देती है या समस्याओं को सुलझाती है। इसके कारण ही हम बहुत सी सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं और इसमें लगातार नए आविष्कार और बदलाव भी हो रहे हैं, जिससे ये हमारे काम करने के नए तरीके को लगातार बदलती जा रही है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता गया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, जिसके द्वारा हमें पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इंटरनेट के द्वारा जानकारी या सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया है। आज के समाज में सूचना प्राप्त करना सबसे जरूरी है और यह संभव हो पाया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। आज के समय में आईटी का उपयोग बहुत से क्षेत्रों में किया जा रहा है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इंटरनेट हो या फिर मोबाइल हो। आईटी ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को आईटी के बारे में शिक्षा भी दी जा रही है। अब आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण हो ही गया है, तो हमने सोचा कि आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लेकिन इससे पहले आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में, जहां पर आपको अच्छी और सही जानकारी प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में आईटी और हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और उस पे आधारित सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और हार्डवेयर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आईटी के अंतर्गत कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। आईटी शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से व्यापार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी चीजें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत करती है, जिसका मतलब है कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे कि इंटरनेट, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, सर्वर, डेटाबेस इत्यादि, ये सभी आईटी का ही एक हिस्सा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो पूरा क्षेत्र होता है जिसमें किसी उद्योग या बिजनेस के अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पहले के समय में आईटी की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि उस समय आईटी का विस्तार नहीं हुआ था। ज्यादातर जगहों पर जानकारी या सूचनाओं का संग्रह और आदान प्रदान बिना कंप्यूटर के माध्यम से ही होता था। इसीलिए आईटी के बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जो किसी बड़ी संस्थाओं में काम करते थे, जहां पर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फैल गई है और आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हर जगह पर काम किया जाता है। आईटी ने आज पूरे विश्व को इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और विभिन्न हार्डवेयर के माध्यम से जोड़ दिया है। और आगे अब हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से इंसान की जिंदगी तेजी से बदल रही है। आज की लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आईटी पर ही आधारित है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर जैसे कई सारे साधन मिले हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन आदि सभी क्षेत्र इससे प्रभावित है। पहले के मुकाबले आज के समय बिजनेस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। एक बेहतर कम्युनिकेशन से लेकर के ऑनलाइन पेमेंट जैसे महत्वपूर्ण विकल्प के लिए हमें आईटी को अपनाना पड़ता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो कि आईटी के कारण ही संभव है, इसके माध्यम से लाखों कस्टमर्स तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। आईटी का इस्तेमाल करके ग्राहकों को कॉल, ईमेल या ऑनलाइन सपोर्ट से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने पुरानी शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस और ई बुक्स से कितना कुछ सीख सकते हैं।
ऐसे कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिस पर लगभग हर विषय के बारे में जानकारी मौजूद रहती है। आईटी के आने से टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कई सारी नई सेवाओं के द्वार खुले हैं। कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा संचार करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। एक फोन के अंदर टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही साथ में लाया गया है। आईटी में कंप्यूटर और मोबाइल जैसी तकनीकों का आविष्कार करके हमारे जीवन में मनोरंजन के ढेरों साधन मिले हैं। आज हम मूवीज और म्यूजिक को इंटरनेट के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा कई ऐसे एंटरटेनमेंट टूल्स भी है जैसे स्ट्रीमिंग डिवाइस और वीडियो गेम जो आईटी द्वारा बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा थेफ्ट जैसी कई सारी समस्याएं सामने आई, जिसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को बनाया गया। इसके अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा जैसे महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों की पहुंच से दूर रखा जाता है। जब कोई यूजर ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अपने बैंक खाते की जानकारी देखना चाहता है तो आईटी सिक्योरिटी ये सुनिश्चित करती है कि केवल वही यूजर ही अपने खाते की जानकारी को देख पाए। इन सब के अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर या स्वास्थ्य क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में और सैटेलाइट सिस्टम को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे अब हम जानेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं। आज के समय में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और हमारा समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में आईटी का उपयोग हो रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए नए आविष्कार करके मानव की काफी ज्यादा मदद की है। अब हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहे और भी फायदों के बारे में जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। आज हम मैसेज, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल की मदद से किसी के भी साथ कहीं से भी संवाद कर सकते हैं। आईटी के कारण ही हमें मौसम की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाती है। पहले कब बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मौसम विभाग के लोग आईटी के इस्तेमाल से मौसम की जानकारी आसानी से मालूम कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने कई नौकरियों का निर्माण किया है। आईटी सेक्टर में अनगिनत पदों पर हजारों लोग काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, हार्डवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालाइजर्स, वेब डिजाइनर इत्यादि। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी प्रकार के डेटा को सही ढंग से स्टोर करने और तेज गति के साथ एक्सेस करने की कैपेसिटीज को कई गुना बढ़ा दिया है। कुछ टूल्स जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रोग्राम इत्यादि के उपयोग से डेटा को बेहतर तरीके से संभाल कर रख सकते हैं। आईटी कम लागत में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, जिससे डेटा की चोरी होना असंभव है। और अब हम जानेंगे आईटी के कोर्सेज और करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। आज के समय में हर जगह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यदि कोई आईटी का कोर्स कर लेता है तो ऐसी कई कंपनियां दुनिया भर में मौजूद है जहां पर अच्छी जॉब मिल सकती है। आईटी कोर्स के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन सिस्टम का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके इन्फॉर्मेशन को स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट और सिक्योर करना सिखाया जाता है। आईटी में कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं जो 12th की परीक्षा पास करने के बाद ही किए जा सकते हैं। आईटी में अपना करियर बनाने के लिए बहुत से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज किए जा सकते हैं। आईटी के फील्ड में शुरुआत करने के लिए बहुत से सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को 10th पास होना जरूरी होता है। आईटी का कोर्स करने के साथ अच्छी टेक्निकल स्किल्स जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह आईटी में करियर बनाने में बहुत काम आती है। अंडर ग्रेजुएट आईटी कोर्स में बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी के कोर्सेज लोकप्रिय है। ग्रेजुएशन के बाद भी इस क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज जैसे कि एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी या पीएचडी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स को पूरा करने में 3 से 4 साल तक का समय लग जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का समय सीमा 2 साल का होता है। आईटी में बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज भी किए जाते हैं, जिसे पूरा होने में 3 से 4 साल लगते हैं। डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। आईटी के फील्ड में प्रवेश करने के लिए अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा निखारना जरूरी होता है। इसके लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज किए जा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने, 1 साल या 2 साल का भी होता है, जो अलग अलग कोर्स पर निर्भर करता है। सर्टिफिकेट कोर्स में कई आईटी के विषय में कोर्स कराए जाते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर हैंडलिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी,
ग्राफिक डिजाइन और एथिकल हैकिंग आदि। कोर्स पूरा करने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आईटी के तमाम कोर्स करने के बाद आप देश और विदेश में स्थित किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में जॉब करने पर काफी अच्छी सैलरी का पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इस क्षेत्र में जॉब पाने में कामयाब रहे तो आपको अच्छा खासा एनुअल पैकेज भी मिल सकता है। आईटी सेक्टर के कुछ प्रमुख जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, टेक्निकल सपोर्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सिक्योरिटी, नेटवर्क इंजीनियर, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और टेक्निकल सेल्स। तो आईटी कोई एक विषय नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, आपका क्या सवाल है वो भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।